हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस कर किए थे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो बहुत दो क्लास हो गया था। फिर जो है आज हम चौथा क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग एक मतलब पहले तो हम लोग चार पढ़े थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन ऑफ पार्टनर में चार टाइप का सिचुएशन हो सकता है। सिचुएशन नंबर वन क्या था हम लोग का, याद कीजिए। तो सिचुएशन नंबर हम लोग का वन था कि यदि कोई पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है और वो क्या करेगा, यदि किसी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है और वो प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा लाता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। उसमें भी सिचुएशन था, क्या सिचुएशन था रे, या तो पूरा पैसा पार्टनर क्या करेगा विड्रॉ करके घर लेके चला जाएगा, या फिर कुछ पैसा फर्म में रहने देगा, मतलब पार्शियली विड्रॉ करेगा, या फिर एक भी पैसा निकालेगा नहीं, टोटल टोटल पैसा फर्म में ही रह जाएगा। तीनों सिचुएशन हम लोग सवाल बना लिए थे और आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 हम खुद करने वाले हैं और पहले भी हम आपको बोले हुए हैं क्वेश्चन नंबर 20 हम करेंगे, ये आपको हम पहले बोले हुए हैं। तो आप अभी हम क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम बनाने की कोशिश करेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार अगर पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, देखिए तो क्या क्या है इसमें, हम सवाल पढ़ के बता रहे हैं आपको। इसमें पहले ए और बी पार्टनर था, ए और बी क्या था फर्म में पार्टनर था। उसके बाद क्या करता है, सी को एडमिशन देता है और डेट है वो 1 जनवरी 2016। डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1 जनवरी 2016, मतलब ए और बी फर्म में पार्टनर है और सी को फर्म में एडमिशन देता है और डेट है आपका 1 जनवरी 2016। उसके बाद कितना के लिए देता है वो है आपको 1/4। अब देखिए क्या निकल जाएगा आपको इसमें, ए और बी और सी के बीच का न्यू रेशियो निकल जाएगा और सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा, सब बच्चा निकल जाएगा कि नहीं बताइए। अगर ए और बी पार्टनर है 2:1 में पहले बांटता था, ये सी को 1/4 में दिया गया, सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं है तो 2:1 ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे रे, ए बी सी के बीच में, ए और बी और सी के बीच में क्या निकाल लेंगे, तो हम लोग ए बी सी और के बीच में निकाल लेंगे न्यू रेशियो निकाल लेंगे और सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल लेंगे। नहीं कैसे निकालेंगे एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है, ये करके दिखा दिया जाएगा आपको। आगे बढ़ेंगे, फिर एक नया पार्टनर है जिसका नाम क्या है, डी। डी को एडमिशन दिया गया और वो डेट कब है, 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को डी को एडमिशन दिया गया, कहां, फर्म में। तो अब डी को फर्म में एडमिशन दिया गया तो उसके बाद क्या होगा, ये रेशियो जो तुम देख रहे हो न्यू रेशियो था किसके किसके बीच में, ए बी और सी के बीच में, तो डी के बीच के लिए क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा। तो फिर से उसी तरह ये ओल्ड रेशियो इसे सेक्रीफाइस रेशियो कराएगा और इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, न्यू रेशियो निकाल लेंगे आफ्टर एडमिशन ऑफ डी और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे आफ्टर एडमिशन ऑफ डी। फिर उसी तरह नया पार्टनर जिसका नाम क्या है, ई, फर्म में एडमिशन होता है और फिर वो कितने के लिए आता है, 1/6 के लिए आता है। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, जो ये जो रेशियो है ये ओल्ड रेशियो हो जाएगा एडमिशन ऑफ डी ई के अनुसार और उसके बाद फिर ये रेशियो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा और इस तरह निकल जाएगा हम लोग का क्या, तो हम लोग का निकल जाएगा न्यू रेशियो। मतलब तीनों सिचुएशन हम लोग का हो गया, तो ये तीनों सिचुएशन अलग अलग है, एक बार हम बना लेते हैं, ये यहीं पे लिखा हुआ रहना चाहिए, ये हम लोग का फिर से बना रहे हैं क्योंकि फिर से इसलिए बोले मेरा एक बार क्लास रिकॉर्ड हो गया, किसी वजह से क्लास जो है प्रॉब्लम हो गया था तो हमको क्लास फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चले तो हम लोग सवाल बनाए हैं, ये चारों से तीनों सिचुएशन अलग अलग क्या है रे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी और डेट है आपको 2017 का, डेट कब है 2016 का। तो चलिए
इतना आदमी को नहीं लिखी है इसलिए क्योंकि सवाल हम बता चुके हैं, दोबारा मेरा बनाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत मेरा दोबारा हो गया है, फिर भी आप लोग अगर नहीं पढ़ते हैं तो बहुत खराब लगता है। देखिए एक बार क्लास रिकॉर्ड हुआ, क्लास हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, फिर से दोबारा हमको वही सवाल बनाना पड़ रहा है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो तो हमको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? पक्का लगेगा सर। चलिए सबसे पहले रेशियो क्या था, वो रेशियो 2:3 और 1:3, ये दोनों की चाहिए रेशियो है ना, इसके कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है। सैक्रिफाइस कितना किया होगा, तो हम बोलेंगे इसको जब आ रहा है सर 1/4 कितना के लिए रे, 1/4 के लिए आ रहा है सर, तो जब बेटा ये 1/4 के लिए आएगा इसका मतलब क्या, 1/4 का 2/3, 1/4 का 1/3, तो ये दोनों सैक्रिफाइस करेगा और इसको क्या होने वाला है गेन। निकालो अब, जब उसको निकालोगे कितना निकल जाएगा बोलिए, 2/3, 2/3 माइनस कितना रे बोलो, 2/12, 2 × 12 हो जाएगा, कितना जाएगा तब फिर आपका 4 माइनस 2, तो ये करेंगे 2/12, ये कितना निकल जाएगा आपका 1/12, और ये निकल जाएगा 1/4 × 3 × 3, ये हो जाएगा 2:1:1, क्या हो जाएगा 2:1:1, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो ये है और सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा बोलिए, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा, सैक्रिफाइस रेशियो भी निकल गया आपका, मतलब न्यू रेशियो ये हो गया और सैक्रिफाइस रेशियो ये हो गया कब, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, आफ्टर एडमिशन ऑफ डी, आफ्टर एडमिशन ऑफ डी और ये आ गया 2017, आफ्टर एडमिशन ऑफ डी और ये हो गया 2017। करिए जब आफ्टर एडमिशन ऑफ डी की बात करते हो ना तुम लोग, तो समझ जाओ क्या कि सर डी में जब एडमिशन होगा तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों क्या हो जाएगा रे, ओल्ड पार्टनर हो जाएगा सर, और डी का एडमिशन हो गया और तीनों हो गया ओल्ड पार्टनर, तो देखिए तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2/4, 1/4 और 1/4, और ये कितना के लिए आ रहा होगा बोलिए, तो ये आ रहा था 1/5 के लिए आ रहा था, ये कितना सैक्रिफाइस करेगा, नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ओल्ड रेशियो 2/4 का 1/5, 2/4 का 1/5, 1/4 का 1/5, 1/4 का 1/5, ये तीनों सैक्रिफाइस करेगा और गेन किसको होने वाला है, डी को होने वाला है। चलो न्यू रेशियो बोलो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा सर 1/5, बहुत अच्छी बात, इसको से माइनस कीजिए 2/4 माइनस 2/20, 5 × 20, 10 − 2, 8/20, ये कितना जाएगा 1/4 माइनस 1/20, ये हो जाएगा आपका 20, तो 5 − 1, 4/20, ये भी हो जाएगा 4/20, तो इसको भी गुना 4, 4/20, क्या हो जाएगा न्यू रेशियो बोलो रे, तो बोलिएगा 8:4:4:4, इसका मतलब अगर 4 से करो तो 2:1:1:1, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। देखिए आफ्टर एडमिशन ऑफ डी ए बी सी डी के बीच में न्यू रेशियो ये हो जाएगा और सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस कौन को सैक्रिफाइस करेगा, ए बी और सी, पहले कौन सैक्रिफाइस किया था ए और बी, अब ए बी और सी तीनों सैक्रिफाइस करेगा, रेशियो निकला 2:1:1। अब आइए लास्ट आफ्टर एडमिशन ऑफ ई, आफ्टर एडमिशन ऑफ ई करो, आफ्टर एडमिशन ऑफ ई ईयर हो गया 2018, 2018 में एडमिशन जब ई का करोगे एक नया पार्टनर आएगा जिसका नाम क्या रहेगा ई, लेकिन ओल्ड रेशियो कुछ और होगा और वो ओल्ड रेशियो क्या होगा वो देखते चलो। बोलिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो जो न्यू रेशियो था ओल्ड रेशियो जाएगा क्या आएगा 2/ कितना निकाल रहे हो 2 × 3 = 5, 2/5, 2/1/5, 1/5 और 1/5, ये ध्यान में नहीं होगा, इसको कितना मिल रहा है 1/6 मिल रहा है,
इसको कितना सैक्रिफाइस करेगा, ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा, ये ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा, ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा, क्यों सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है और ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। तो कर लीजिए, घटा के निकालिए, आपको क्या निकल जाएगा, तो आपको निकल जाएगा न्यू रेशियो और आपको पता चल जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो, जो कि हमको पहले से पता है कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो होगा अगर सैक्रिफाइस रेशियो दिया हुआ नहीं रहे तो। चलो, दो बटे पांच माइनस कितना रे, एक बटे तीस, छो पंचे तीस, कितना जाएगा पांच छ तीस, तो बारह माइनस कितना जाएगा दो बटे तीस है, ये दो बटे तीस, तो बारह माइनस दो दस बटे तीस, ये करो एक बटे पांच माइनस एक बटे तीस, ये एलसीएम कितना निकला तीस, तो छ माइनस एक पांच बटे तीस, पांच बटे तीस, पांच बटे तीस और एक बटे छ गुना पांच, तो पांच बटे तीस। चलो अब नया रेशियो बताओ, तो बोलिएगा दस अनुपात पांच अनुपात पांच अनुपात पांच अनुपात पांच, ये हो जाएगा दो पांच दूनी दस, वन 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 वन, ये हो गया आपका न्यू रेशियो, मतलब दो अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक, ये क्या निकल गया हम लोग का न्यू रेशियो निकल गया। आफ्टर एडमिशन ऑफ बी और सैक्रिफाइस रेशियो किसके किसके बीच में रहेगा बोलिए तो, ए बी सी और डी के बीच में सर, क्या दो अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक, तो ये हम लोग का क्या निकल गया बोलिए तो, वर्किंग नोट का काम हो गया। अब सेकेंड चीज हम लोग का क्या बचा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ दूरबीन, ये तो हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो निकाले जो कि आप पहले निकाल सकते थे, मतलब आप लोग क्या पढ़ना है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ये हम आपको मिटा देते हैं। आप आशा करते हैं सर आप लोग वीडियो और बुक लोग के नोट कर ही लिए होंगे, अगर बांध लिया जाए वीडियो है ना तो बाद में भी आप नोट कर सकते हैं पीछे करके, इसलिए मत बोलिए सर बहुत पहले जल्दी मिटा दिए, तो आप जो है बैक कर करके नोट कर सकते हैं। हाँ आगे बढ़े जाए तो हम लोग का क्या है, सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर एडमिशन ऑफ, अलग अलग होगा रे, आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, चलिए एडमिशन ऑफ सी के ग्रुप में, तो कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा गुडविल का, क्यों नहीं होगा, पहला नो जर्नल एंट्री, बोले सर ऐसा क्यों बोले, तो आपका जानते हैं सेकेंड जो हम आपको बताए थे क्या, पहला तो आपको बताए थे व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, व्हेन प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, मतलब जब गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लाएगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है बोलिए तो हम लोग को पढ़ना है सेकेंड इसमें कि देखिए सेकेंड क्या है, नोट कर लीजिए ये, वे प्रीमियम ऑफ गुडविल प्राइवेटली पेड टू ओल्ड पार्टनर बाय न्यू पार्टनर, कौन कौन समझे, मतलब ये हुआ जैसे ए एंड बी पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया गया, ठीक है। अब इसको गुडविल के रूप में कितना पैसा लाना था रे, तो बोलिए इसको लाना था, सवाल जो दिया हुआ हम लोग को 4500 रुपया लाना था, कितना लाना था 4500 लाना था, इसको 4500 लाया भी और लाया नहीं, फर्म में लाया नहीं, क्या किया इसके दोनों के घर गया
और घर पे जाके इसको दे दिया, जितना 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 सेक्रीफाइस किया था इसको मिल गया, और जितना सेक्रीफाइस किया इसको मिल गया। फर्म को पता ही नहीं चला, फर्म को कुछ पता ही नहीं चला कि पैसा लाया कि नहीं लाया, दिया कि नहीं दिया। तो एंट्री होना चाहिए फर्म में, नहीं होना चाहिए, यही सेकंड स्टेज है। मतलब आपको सिचुएशन देखना होगा, सवाल में सिचुएशन क्या दिया हुआ। अगर सवाल में सिचुएशन दिया हुआ रहता प्रीमियम ऑर्डर का पैसा लाता है, हम लोग जो लाता है वो एंट्री कर देते, निकालता है निकाल लेगा तो वो एंट्री कर देते, आधा निकालेगा वो एंट्री कर देते, नहीं निकालेगा तो एंट्री करते ही नहीं, तो वो वाला बात था। वो तो हम जानते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन सेकंड ट्रीटमेंट क्या था रे, कि प्रीमियम ऑर्डर बिल का पैसा तो प्राइवेटली पेड किया जाएगा ओल्ड पार्टनर को, किसके द्वारा, न्यू पार्टनर के द्वारा। तो इसमें लिख दीजिए कि नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड, सेकेंड हो गया आपका नो जर्नल एंट्री नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया होगा सब बच्चा का, ये मतलब जर्नल एंट्री करने का जरूरत नहीं है, प्राइवेटली पेड करेगा तो जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हो गया। चलिए सी के बारे में यही बताया था सवाल में कि पेमेंट कर रहा है प्राइवेटली कर रहा। चलिए अब आइए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर एडमिशन ऑफ डी, डी के एडमिशन पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, इस पे आते हैं हम लोग। चलिए डी के ट्रीटमेंट पे, डी के एडमिशन पे गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम लोग देख रहे हैं। आइए तो क्या होगा, हाँ डी के एडमिशन पे गुडविल का ट्रीटमेंट जो होगा बाबू वो ये होगा। पार्ट सबसे पहले जर्नल एंट्री करिए, क्या बोले थे, प्रीमियम और गुडविल का पैसा लाएगा तो एंट्री क्या करिएगा, बोलिए। एंट्री करते थे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल के बारे में जिक्र नहीं किया, कैपिटल हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, टू प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या लिखेंगे नरेशन मेरे, बीन प्रीमियम ऑफ गुडविल, बीन प्रीमियम ऑफ गुडविल कौन लाएगा, ब्राउट बाय न्यू पार्टनर, कितना लाया है डी, कितना गुडविल का पैसा लाया था, देख लीजिए सवाल में डी लाया था 4000, कितना था 4000। अब चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कितना से, 4000 रुपया से, टू देख लो रे आफ्टर एडमिशन ऑफ डी क्या है सैक्रिफाइस रेशियो, ए बी सी का 2:1:1, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल कितना कितना है, 2:1:1 बांट दीजिए तो 4000 को 2:1:1 में बांटिए तो कितना रहेगा, 2000 1000 1000। आगे कुछ और सवाल बोला है क्या, आगे बोल रहा है जिसमें आधी राशि क्या करेगा सर, ओल्ड पार्टनर निकाल लेगा, आधा पैसा ओल्ड पार्टनर क्या करेगा रे, निकाल लेगा, निकालो ओल्ड पार्टनर आधा पैसा निकाल लेगा, तो एंट्री क्या करोगे, करेंगे सर ए सबका कैपिटल को डेबिट करेंगे, किसका किसका, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल डेबिट, आधा हजार पैसा निकलवाओ तो ये निकालेगा 1000, ये निकालेगा 500, ये निकालेगा 500, टू कैश अकाउंट कितना रुपया रे, 2000 रुपया। ये आपका होता है खत्म यही तक, मतलब आपका क्या हो गया आफ्टर एडमिशन ऑफ डी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यही होगा, जब एंट्री सब देख लिए होंगे। चलिए आते हैं आगे, आफ्टर एडमिशन ऑफ ई, आफ्टर एडमिशन ऑफ ई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चलिए उसमें तो सबसे पहले क्या है, गुडविल का पैसा लाएगा कौन, न्यू पार्टनर, कितना ला रहा है देख लीजिए, ई कितना पैसा लेके आ रहा है, 5000 रुपया लाता है जो कि फर्म में ही रखा जाता है, तो चलो 5000 का एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ
गुडविल कैसे काउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, फिर गुडविल का पैसा क्या करेगा बांट लेगा कौन कौन, अब पार्टनर हो गया टोटल देख लो ए बी सी डी रेशियो 2:1:1 में, मतलब 5000 रुपया को बांट दो 5000 जो एक और आ गया पार्टनर जिसका नाम क्या है डी कैपिटल, कितना रुपया 1000 रुपया, और इसको फर्म में ही रहने देता मतलब निकालता नहीं है, हो गया इसकी खत्म यहीं तक, यही तो हम लोग का था, हो गया आपका एंट्री जी, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं 21 में मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 21 दो टाइप का हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट सीख गए होंगे आप लोग, एक क्या प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा लाएगा और दूसरा क्या है प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा प्राइवेटली पेमेंट कर देगा कौन और न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को, दोनों ट्रीटमेंट सीख लिए, पहला में तो ट्रीटमेंट सर जान ही रहे हैं और दूसरा में क्या कोई एंट्री नहीं करेंगे, प्राइवेटली पेमेंट करेगा तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, जो कि इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट जो सी के एडमिशन वाला था उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, इसमें बोला एक्स ने 1,00,000 रुपया से अपना व्यवसाय 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ किया, 4 वर्ष में उसके व्यवसाय का परिणाम इस प्रकार है, इसी अवधि के दौरान प्रथम उसने 2 वर्षों में 1,000 रुपये प्रतिमाह निकाला और उसके बाद 1,500 रुपये प्रतिमाह 1 अप्रैल 2018 को उसने वाई के निम्नलिखित शर्तों पर ड्यूरिंग द पीरियड विड्रॉल ले दिया, क्या है देखिए तो गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, उसके बाद ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड वी विल हैव 1/2 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्यूचर, आधा पैसा उसको मतलब आधा प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा, ही विल ब्रिंग कैपिटल इन कैश इक्वल टू डेट ऑफ एक्स आफ्टर हिज एडमिशन, मतलब जितना उसका कैपिटल होगा उसका एक्स 1/2 लाएगा, आपको बोला कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ब्रॉट इन वाई एंड मेक इंट्री रिकॉर्ड इन द ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं क्योंकि सब बच्चा पढ़े हुए हैं। चलो रे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बोल रहा है कि गुडविल की वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, तो मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, सबसे पहले निकालिए तो लिख दीजिए आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बोलिए, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट है बाईस हजार 32,000 44,000, हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं लॉस को, ठीक है लॉस को बिना कंसीडर किए सवाल बना रहे हैं, निकालिए 22,000 32,000 और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट देख लो 22,000 और आपको 32,000 और 36,000 और 44,000 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना निकल जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा आपको कितना
देखिए इसीलिए नहीं कर रहे कैलकुलेशन, तो गुडविल क्या जाएगा जितना भी प्रॉफिट हो जाएगा 98000 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ये प्रॉफिट, और गुडविल करना है अपना 3 नंबर ऑफ ईयर पर जब क्या हुआ 3 तो कितना जाएगा गुडविल ये आपका गुडविल निकल जाएगा 98000 प्रॉफिट गुडविल निकल जाएगा। तो गुडविल टू बी ब्रॉट बाय वाई, तो गुडविल कितना जाएगा वाई के द्वारा क्योंकि हाफ मिलेगा उसको, तो गुडविल मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना जाएगा शेयर ऑफ वाई कितना जाएगा रे तो 98000 का आधा पैसा कितना 49000 रुपया किसको लाना पड़ेगा क्यों लाना पड़ा बोलिए। हम ये कह रहे हैं फिर से बता रहे सवाल कि एक पार्टनर था जिसका नाम एक्स था, एक्स जो है बहुत दिन से बिजनेस कर रहा है पिछले 4 साल से और वो एक साल लॉस हुआ लेकिन पिछले 3 साल से क्या हो रहा था लगातार प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होने की वजह से गुडविल उसका 98000 निकला और अब आधा पैसा किसको देगा आधा प्रॉफिट मिलने वाला है किसको रे आधा प्रॉफिट मिलने वाला है न्यू पार्टनर वाई को, तो वाई को आधा प्रॉफिट तब मिलेगा जब गुडविल का आधा पैसा लाएगा मतलब 49000 रुपया कौन लाएगा तो एक्स वाई लाएगा तो वाई ला दिया। फिर आगे बोला है कैपिटल निकालिएगा क्यों क्योंकि कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, देखिए तो कैपिटल क्या निकलेगा हाँ बोल रहा है कैपिटल ऑफ एक्स एक्स कैपिटल आपको दिया हुआ है कैपिटल इज ऑन कब 1 अप्रैल 2014 कैपिटल दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ कैपिटल देखो तो 1,00,000 रुपया दिया हुआ है फर्म दिया हुआ है। प्रॉफिट या लॉस को जो एडजस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस को कंसीडर करोगे ना तो 98000 प्रॉफिट हुआ है और 10,000 रुपया का क्या हुआ इसको लॉस हुआ है तो मतलब 88000 रुपया का प्रॉफिट हो गया इसको एड कर दिए। हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं ओपनिंग से क्लोजिंग आए प्रॉफिट को क्या किया एड कर दिए। अब देखो तो ड्रॉइंग कितना कर रहा है बोल रहा है कि हम जो है 1,000 रुपया प्रतिमाह ड्रॉइंग किए हुए हैं कब से इस अवधि के दौरान 2 वर्षों में 1,000 रुपया प्रतिमाह निकाला और उसके बाद 1,500 रुपया प्रतिमाह 1 अप्रैल 2018 को उसने वाई के लिए सफर को देखिए दो बार एक बार निकाला है क्या नेक्स्ट 2 ईयर तक पहले फर्स्ट ईयर देखो ड्रॉइंग कितना किया मतलब बोल रहा पहले 2 साल तक हम 1,000 रुपया प्रतिमाह निकाले हैं 2 साल तक यही बोल रहा है समझे तो कितना आ जाएगा आपका 24,000 हो जाएगा कितना जाएगा रे 24,000 और उसका बोल रहा सेकंड में क्या बोल रहा है दो टाइप का ड्रॉइंग बोला है और बोला सेकंड जो है 4 साल का बात हो रहा था ना तो बोला सेकंड 2 साल हम कितना निकालेंगे 1,500 रुपया निकालेंगे तो ये हो गया आपको 24,000 ये हो गया आपको 36,000 मतलब टोटल कितना पैसा निकाला होगा तो निकाला होगा 60,000 आपको निकल गया होगा क्या क्लोजिंग कैपिटल निकल गया सर कितना निकला रे 1,77,000 कैपिटल निकला एडमिशन ऑफ किसका वाई के एडमिशन पे तो आपको कितना लाना पड़ेगा क्या बोला कैपिटल ही विल ब्रिंग इन कैश इक्वल टू एक्स तो ये निकला एक्स कैपिटल जो कि बोल सकते हैं इसको क्या कौन कैपिटल निकला क्लोजिंग तो आपको इतना वाई को भी कितना पैसा लाना पड़ेगा 1,77,000 लाना पड़ेगा यही बोल रहा सवाल में आप सवाल समझ आ गया होगा गुडविल के वैल्यू की है गुडविल का वैल्यू की है तो आया 98,000 इसका आधार लाना है किसको वाई को 4,000 रुपया वाई लाएगा और उसके बाद क्या बोले थे कैपिटल निकाले हम लोग क्लोजिंग कितना निकला 1,77,000 सवाल में बोला कितना तो एक्स का कैपिटल होगा उतना वाई को भी लाना पड़ेगा वाई भी कितना लाएगा 1,77,000 लाएगा जनरल एंट्री कर दीजिए दोनों का हो गया आपका सवाल बोलिए क्या होगा जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना टू सी का कैपिटल वाई का कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना तो वाई का कैपिटल 177,000 और प्रीमियम ऑफ गुडविल 49,000 ये हो गया 2,26,000 रुपया और आगे बोलिए सर आगे ही प्रीमियम ऑफ गुडविल बांट दीजिए ना बांट दिया किसने एक ही आदमी है तो बांट दिया कहां से प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कितना रुपया 4,000 टू एक्स का कैपिटल
कितना रहे 49,000। चलिए फिर समझाते हैं। इस सवाल में एक्स जो है एक पार्टनर है, एक्स क्या है एक पार्टनर है, वो पहले अकेले बिजनेस करता था, ठीक है, अकेले बिजनेस कर रहा था, उसका पूंजी 1,00,000 था और वो है दिन 1 अप्रैल 2014 का दिन। लेकिन हुआ क्या बताते हैं, उसके बाद 4 साल बिजनेस किया, 1 साल उसको लॉस हुआ, बाकी 3 साल उसको प्रॉफिट हुआ। बोला कि हम वाई को एडमिशन देंगे, मतलब नया पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, पहले हम अकेले बिजनेस करते थे, अब क्या करना पड़ेगा हमको नया पार्टनर को रखना पड़ेगा, ठीक है। बोला लेकिन कुछ शर्तें हैं मेरा, क्या बोला, गुडविल को वैल्यू किया जाएगा और केवल प्रॉफिट लेकर 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे। तो हम बोले ठीक है भाई 98,000 हो रहा है, उनका गुडविल का वैल्यू कर दिए, गुडविल निकला भी उसका 98,000। बोला ठीक। बोले सेकेंड बताओ बाबू। बोला सेकेंड ये है कि मेरा जितना कैपिटल है, एक्स बोल रहा जितना कैपिटल मेरा है, किस दिन का, जिस दिन वो एडमिशन होगा, जिस दिन उसका फर्म एडमिशन होगा। तो बोला कैसे निकलेगा, बोला निकालिए सर, पहले मैंने 1,00,000 लगाए थे ना, बीच में 10,000 का लॉस हुआ, तो 90,000 हो गया, बाकी सब हम प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, जितना पैसा हम निकाले हैं पैसा माइनस कर दीजिए ना, मेरा निकल जाएगा प्रॉफिट। उतना पैसा कौन लाएगा, वाई उतना ही लाएगा, मतलब हमारा तो है ही उतना, वाई भी उतना लाएगा। बोले ठीक है। बोला बस ये दोनों काम कर दीजिए, हम सी को आधा पैसा दे देंगे, अपने फर्म का आधा प्रॉफिट उसी को दे देंगे। बोले ठीक है, फिर किया जाए। तो 98,000 निकला, 98,000 का क्या गुडविल निकला, 98,000 रे, उसका आधा को उसको लाना पड़ेगा, वाई को लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि आधा पैसा प्रॉफिट भी तो चाहिए, बात समझ गए बात, फिर उसका एंट्री कर दिए। फिर ये 177,000 जो निकला, 177,000 का क्या करेगा, वो उतना ही कैपिटल सी लाएगा, तो सी उतना कैपिटल ला दे, वाई उतना कैपिटल ला दे, आपका सवाल हो गया, बस यही तो था। तो आपको क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 हम आज कर दिए हैं, प्लीज समझ में आ गया होगा सबको, और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन नंबर ये ऐसा नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर पक्का बन जाएगा अगर आप लोग सही मायने में कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 22 तो इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22 बन जाएगा, 23 बन जाएगा, चलिए 23 तक बनाइए, नया ट्रीटमेंट है कल हम बताएंगे। चलिए बाय बाय।